Oh.
ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे।
ध्यान कैसे करें? अखिल भारतीय संत मत सत्संग की तरीकत मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूरत, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। मूर्ति किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए कि भगवान का वो स्वरूप जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है उसको चुने। उसके बाद किस नाम से आप उनको याद करेंगे उसको भी चुने। मंत्र तो क्या हुआ, दो चीज आपने चुनी, एक अपना इष्ट देव और एक मंत्र। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए, जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस आसन पर बैठे हैं उसी आसन पर बैठे, बड़े प्यार से धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े आराम से बैठिए और बैठने के बाद ये महसूस कीजिए कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। सशरीर भावना से अपने इष्ट को अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, ख्याल से बाई थॉट उसमें इतने लीन हो जाए कि जब तक आप ध्यान करते हैं तब तक और कोई विचार और ख्याल ना आए, पर आएगा। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं, फिर हटाइए अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं। जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुनिए कि हमारे हृदय से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो बड़े प्यार से अपने इष्ट का नाम विद फुल फोर्स जिह्वा से ले सकते हैं। इतना फोर्स उस नाम में होना चाहिए कि ना कोई दूसरा विचार रहे ना ख्याल, उसमें तल्लीन हो जाए, उसी की याद हो, उसी का ख्याल हो, समर्पित भाव से बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को ले। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल, ये दो समय निश्चित कीजिए और आधे घंटे में 20 से 25 मिनट ध्यान को दीजिए। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम अल्लाह वाहेगुरु क्राइस्ट गॉड, वो क्या करें, वो कैसे ध्यान करें? बड़े आराम से बैठिए, बड़े प्यार से। उसके बाद ये महसूस करें कि हमारे हर दिल की धड़कन पर जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है,
हृदय ओम ओम कह रहा है, अब पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है, उसके वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए और आनंदित होइए। बड़े प्यार से इस काम को करना है। जब भी कोई सांसारिक बात आपके ध्यान में आए, दिमाग में आए, उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की याद में लगे, फिर हटाइए, अपने इष्ट देव की याद में लगिए। अगर आज ध्यान करते हुए आपके 100 विचार एक मिनट के अंदर आते हैं, तो निश्चित समझिए अगर ये अभ्यास आप बराबर करते चले जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई विचार आपके आगे नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने साधक की दृष्टि से गीता में 4 बात बताई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग्य। अभ्यास, अभ्यास पर बहुत भारी जोर है और सारी जिंदगी हम एक चीज का अभ्यास करते चले जाते हैं और उसकी परफेक्टनेस पर देखते चले जाते हैं। बड़े प्यार से अगर इस तरीके से अभ्यास करेंगे, बड़ी सुंदर स्थिति होगी। जब भी आप अपने इष्ट देव के चरणों में विश्राम चाहेंगे, बड़े प्यार से विश्राम मिलेगा, ना कोई दूसरा विचार रहेगा ना ख्याल, और हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, वो बताती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब विचार हट जाए अपने इष्ट देव के चरणों में, फिर दोबारा उस चीज़ को पकड़े, अपने इष्ट देव को दोबारा अपने इष्ट देव में ध्यान लगाइए। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। जन्म जन्म तक रंग न उतरे, ऐसी रंग दे शाम चुनरिया, शाम चुनरिया। जन्म जन्म तक रंग न उतरे, रंग न जिस पर चढ़े दूसरा, और न जो फीका पड़ जाए, उसी प्यार के रंग में रंग दे। जो दिन दिन तू ना गहराए, जिसके रहते ढले न यौवन भार न हो, कभी उमरिया। जन्म जन्म तक
रंग ना उतरे, हर दर्पण तेरा मुख देखे, हर मुख में तेरी ही छाया, सांसों में वो सिस की भर दे, निस दिन प्राण रहे अकुलाया, नींद नाए जन्म जन्म तक ऐसा आंजन, आंज दे अखियां जन्म जन्म तक रंग ना उतरे। आज वही धुन छेड़ मधुरतम, जाग उठे यादों का मधुवन, ब्रह्मनाद में ऐसा डूबू, टूट जाए माटी के बंधन, सुध न रहे मेरे तन मन की, ऐसी आज बजारे बांसुरियां जन्म जन्म तक रंग ना उतरे, ऐसी रंग दे शाम चुनरिया, शाम चुनरिया जन्म जन्म तक रंग उतरे। परमात्मा तू ही है बाबू,
जय सद्गुरुदेव, जय पश्चानम। श्री ब्रिजमोहन विष्णामृत भाग 3 परिच्छेद 5 जनवरी सन 1951 स्थान जबलपुर डायरी से। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमद विधु सुरपुर नरक समान। जबलपुर आने के पश्चात तबादले की तो जो समस्याएं होती हैं उन सब का ही सामना करना पड़ा है। रहने के लिए मकान, खाने का प्रबंध, नया दफ्तर तथा नया वातावरण, इन सब के कारण अक्सर इस सेवक को महसूस होता है कि कभी कभी परमपिता परमात्मा का ध्यान छोड़कर पूर्णतया दुनिया के झंझटों में पड़ जाता है। तारीख 15/1/51 रात्रि में स्वप्न में किसी स्त्री के दर्शन किए, आंख खुल गई परंतु स्वप्न पूरा याद न रहा। तारीख 18/1/51 दिन में कोई साधारण सा झूठ इसके मुख से निकला तो रात्रि में स्वप्न में देखा झूठ बोलने का प्रयत्न कर रहा है परंतु स्वप्न भली प्रकार याद न रहा। तारीख 19/1/51 रात्रि में स्वप्न में केले संतरे के पेड़ देखे जो फलों से लदे हैं। एक बंदर आया और उन पेड़ों को तोड़ना चाहता है। ये दास उसका पीछा करता है तथा उसको फल तोड़ने से रोकता है। लौट कर देखता है कि कुछ फल बंदरों ने तोड़कर खराब कर दिए हैं। ये सोचकर कि बंदर फल खराब न कर दें, ये दास पक्के पक्के फल अपने लिए तोड़ रहा है। देखता है पेड़ों पर नई बेलें बढ़ गई हैं तथा उन पर लौकी तथा तोरई के अनेक फल लग गए। बस फल तोड़ते तोड़ते आंख खुल गई। इस प्रकार केवल दुनियावी स्वप्न दिखाई देने लगे और तारीख 26/1/51 को स्वप्न में फिर किसी स्त्री को देखा तथा बहुत घबरा गया। इसका मन अपने पर रोने लगा और इसके हृदय में निम्नलिखित विचार पैदा हुए। हे प्रभु, इस दास का मन तो अब श्री सद्गुरुदेव जी की चरण धूलि के प्रताप से स्त्रियों की ओर नहीं जाता। ये आंखें तो किसी देवी की ओर नहीं उठती, फिर स्वप्न में देवियों का दर्शन क्यों करता है? इसका यदि कोई कारण इस दास की समझ में आया वो एकमात्र यही हो सकता है कि इसका मन प्रभु चरण छोड़कर भटक गया है, अर्थात हर समय निरंतर प्रभु चरणों का ध्यान नहीं बना रहता और शायद परिवर्तित वातावरण, परिवर्तित स्थान तथा परिवर्तित परिस्थितियों का प्रभाव है। इसका मन अपनी कमजोरी पर रोता रहा और परमात्मा से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु, यह दास तो सर्वदा शक्तिहीन है परंतु केवल आपके परम शक्तिशाली चरण रज का ही एकमात्र सहारा है। जीवन की बहुमूल्य वस्तु आपके चरणों की शरणागति ही है, यही एकमात्र अभिलाषा है। बस आपके पवित्र चरणों का अवलंबन सदा बना रहे, शेष सब कुछ नाशवान है। तारीख 4/2/51 दिन रविवार का था। ये सेवक श्री बीडी त्रिपाठी से मिलने गया, आप पूजनीय पापा जी यानी पंडित छोटेलाल जी शर्मा के रिश्तेदार हैं। पूजनीय पापा जी ने इस सेवक को आपसे मिलने के लिए अपने पत्र में हिदायत की और ये भी लिखा कि इनकी प्रवृत्ति सत्संग की ओर झुक जाए तो बड़ा अच्छा हो।
कि सेवक जब आपके क्वार्टर पर पहुंचा तो पता चला कि आप कहीं गए हुए हैं और 10 या 15 मिनट में ही वापस आ जाएंगे। कमरे में एक लोहे का पलंग एक कोने में पड़ा हुआ था, उसी पर यह दास बैठ गया। थोड़ी देर में ही श्री त्रिपाठी जी तशरीफ लाए और इस सेवक से बड़े प्रेम से मिले। आपको भी पूजनीय पापा जी ने पत्र लिखा हुआ था। आपने आते ही इस सेवक से कहा कि आप इस पलंग पर मत बैठिए, आप इधर कुर्सी पर आ जाइए। दास ने कहा, यहीं पर आराम से बैठा हूं, कुर्सी पर आप विराजिए। और ये दास पलंग पर ही बैठा रहा। कुछ देर के बाद आपने फिर इस दास से प्रार्थना की कि यह पलंग छोड़कर कुर्सी पर आ जाएं। दास ने कहा, पलंग पर गुदगुदा है, बहुत आराम से बैठा हूं। आपने फरमाया कि इस कमरे में यह स्थान ऐसा है कि यदि यहां चारपाई बिछी रहे और उस पर रात्रि में अगर कोई सो जाए या अधिक देर तक बैठा रहे, उसे रात्रि में खराब स्वप्न दिखाई देते हैं। दास ने पूछा, कैसे खराब स्वप्न दिखाई देते हैं? आपने फरमाया, स्वप्न में खून खराबा हुआ दिखाई देता है, खून की धार बहती दिखाई देती है, बड़े भयानक स्वप्न दिखाई देते हैं। आज बच्चों ने भूल से फिर ये चारपाई इस कोने में बिछा दी है, वरना मैंने इसे दूसरे कमरे में डाल दिया था। दास ने कहा कि जहां भगवान का नाम लिया जाए वहां खून खराबा कैसे? दास ने कहा कि जहां भगवान का नाम लिया जाए वहां खून खराबा कैसे? आज तो सेवक इसी चारपाई पे लेटेगा और यह दास चाय तथा नाश्ता करने के बाद इसी पलंग पर बहुत देर तक लेटा रहा और बैठा जाप करता रहा। रात्रि में जब जाने लगा तब श्री त्रिपाठी जी से प्रार्थना की कि आज आप इसी पलंग पर सोइए, कई बार आप भूल से इसी स्थान पर सो ही गए हैं और खराब स्वप्न देखे हैं, आज एक बार खराब स्वप्न इस सेवक के कहने से और देख लीजिए और जैसा कुछ हो इस दास को जरूर खबर करिए। श्री त्रिपाठी जी इस सेवक के अनुरोध को टाल न सके और उस रात्रि को उसी जगह शयन किया। इसी रात्रि को इस दास ने एक बड़ा ही विचित्र स्वप्न देखा कि एक तरह की रूह स्पिरिट जो हवा में उड़ सकती है, बहुत तेज दौड़ सकती है तथा सूक्ष्म शरीर धारण किए है, इस दास को परेशान कर रही है। जब इस दास को बहुत परेशान किया तो ये भी उसे पकड़ने के लिए दौड़ा और पकड़कर उसे अपने दांतों से काटना शुरू किया। इस पर उसने शोर मचाया कि बस माफ कर दो, छोड़ दो, अब कभी नहीं आऊंगी। ये कहकर चिल्लाती है, बस आंख खुल गई। अगले रोज प्रातःकाल 7 बजे श्री त्रिपाठी जी इस सेवक के मकान पर पधारे और उन्होंने अपना बड़ा विचित्र अनुभव इस प्रकार सुनाया। आपके कहने के अनुसार मैं रात्रि में उसी स्थान तथा उसी पलंग पर सोया। आरंभ में तो कुछ चिंता सी रही, परंतु कब नींद आ गई पता नहीं चला। रात्रि में लगभग 3 बजे बड़ा ही सुंदर स्वप्न देखा कि मैं गंगा जी के किनारे किनारे बड़े प्रेम और उत्साह से घूम रहा हूं। तत्पश्चात एक बड़े सुंदर बगीचे में पहुंचा। उस बगीचे में बड़ा ही सुंदर मंदिर नजर आया। मंदिर के पास पहुंचा तो क्या देखता हूं कि मंदिर के अंदर से एक दूध की धार कलकल करती हुई बाहर निकल रही है। इसे बड़ा ही हर्ष हुआ। जब अंदर गया तो भगवान शिव के दर्शन हुए और देखा तो उनके मस्तिष्क पर बराबर दूध की धार गिर रही है। बस आंख खुल गई। कहने लगे कि भाई साहब, मैंने अपने जीवन में ऐसा स्वप्न पहली बार देखा है। दास ने कहा, अब आप इस पलंग को यहीं पड़ा रहने दीजिए, हटाने की क्या आवश्यकता, कभी कभी मिलते रहें तो अच्छा है। तारीख
5251 और रात्रि में निम्नलिखित स्वप्न देखा। श्री सद्गुरुदेव जी परम पूजनीय माता जी सहित घर पर तशरीफ लाए हैं। घर पर इस दास की माता जी मौजूद हैं तथा ये दास बाहर कुछ सामान लेने गया है। लगभग सायंकाल 7 बजे लौटा तो हुजूर वाला ने आवाज दी, ये दास आपके पवित्र चरणों में मस्तक टेक कर प्रणाम कर रहा है। इतने में ही आप रोने लगे और कहने लगे कि तुम हमारा ध्यान नहीं रखते, तुम्हें हमारा कुछ ख्याल नहीं, परंतु पूजनीय माता जी सुस्त खड़ी हैं। ये दास बहुत शर्मिंदा है। बस आंख खुल गई, इसका हृदय दुख से भरा हुआ है। यह स्वप्न नहीं वाकया था। जबलपुर आने के बाद यह अक्सर प्रभु चरणों का ध्यान भूल जाता है और दुनियावी बातों तथा झंझटों में फंस जाता है। इसका हृदय अपनी नीचता तथा गिरावट पर रोता रहा। तारीख 6/2/51 रात्रि में स्वप्न में एक बड़ा पतला सांप देखा, परंतु उसका फन बहुत चौड़ा है। ये दास एक डंडे छोटे डंडे से उसे मार रहा है। दास को एक व्यक्ति डराता है कि सांप काट लेगा। ये दास कहता है, काट कैसे लेगा, मैं इसे मार कर दम लूंगा, और बराबर उसके फन पर चोट करता है, यहां तक कि फन कुचला कुचला हो जाता है। बस आंख खुल गई। तारीख 11/2/51 दास ने स्वप्न देखा कि एक पनवाड़ी से पान खरीद रहा है। उसे पैसे देने लगा तो वो बोला, पिछले 2 दिन के पैसे और। इस दास ने कहा, वो तो कल दे दिए थे। पनवाड़ी बोला, जी हां दे तो दिए थे, पर पैसे हैं जरूर। दास के हृदय में प्रभु कृपा से लहर उठी। लेने वाला सरकार और देने वाले भी सरकार। जो कुछ मांगा फौरन दे दिया। वो पनवाड़ी अचंभे में रह गया। बस आंख खुल गई। तारीख 12/2/51 को स्वप्न में श्री सद्गुरुदेव जी के पवित्र दर्शन किए तथा आपकी शक्ल श्री कृष्ण भगवान की शक्ल में बदलती दिखाई दी। भगवान श्री कृष्ण की शक्ल धुंधली हेजी सी थी। वह हाथों में शंख गदा चक्र इत्यादि लिए थे। बस आंख खुल गई। तारीख 13/2/51 को स्वप्न में धर्मपत्नी को देखा कि चिंता में है। इसके पश्चात फिर नींद आ गई। तत्पश्चात श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के दर्शन हुए। आप फरमा रहे हैं, जबलपुर में पुराने सत्संगी हैं, परंतु वहां जाने की आवश्यकता नहीं। शेष स्वप्न याद नहीं रहा। बस आंख खुल गई। तारीख 22/2/51 इस दास का उपवास था और दिन भर यही प्रयत्न करता रहा कि परमात्मा का ध्यान बराबर बना रहे। परमात्मा का ध्यान बराबर बना रहे। चलते फिरते कोई भी काम करते प्रभु चरणों में ध्यान बना रहे। दफ्तर में भी काम प्रभु का समझ कर करता रहा। रात्रि में बड़ा ही विचित्र स्वप्न देखा। स्वप्न में ये दास श्री सद्गुरुदेव जी का दर्शन करने के लिए एक छोटे शहर में चला जा रहा है। रास्ते में बाबू प्यारेलाल जी गुप्ता मिले। इस दास ने उनसे कहा कि आजकल श्री सद्गुरुदेव जी आए हुए हैं, आपने तो उनके दर्शन किए होंगे। आपने कहा, आए तो अवश्य हैं, परंतु हमें उनकी सोहबत कम नसीब हुई। दास ने कहा, ऐसा क्यों? आपने उत्तर दिया, गुरु महाराज तो घर में ही बैठे रहते हैं और घर में औरतें वगैरह होती हैं, इसलिए घर में बैठे शर्म मालूम होती है। दास ने कहा, जहां सरकार है वहां इन बातों का ख्याल नहीं करते। वहां औरतें नहीं रहती, परंतु माताएं होती हैं, और उनके सामने सद्गुरुदेव के चरणों में बैठने में क्या नुकसान है? हमारे साथ चलो, हम आपको सद्गुरुदेव जी के दर्शन कराएंगे।
बाबू प्यारे लाल जी भी साथ चल दिए। एक मकान के सामने से गुजर रहे थे कि सदगुरुदेव जी की आवाज सुनाई दी, यशपाल। ये दास फौरन अंदर गया और सरकार के चरणों में मस्तक रख दिया। एक साथ इस दास की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और ये फूट फूट कर रोने लगा। आपने शुभाशीर्वाद दिया, कमर थपथपाई और कहा, हम बहुत खुश हैं। ये इस दास को इस प्रकार रोता देख सब चकित हो गए। इसके पश्चात ये दास चुपचाप एक तरफ प्रभु चरण धूलि ध्यान में बैठ गया। घर में ऐसा मालूम होता था कि शादी वगैरह की तैयारी थी, स्त्री बच्चे एकत्रित थे, परंतु इस दास का ध्यान तो केवल प्रभु में ही लगा था। इतने में किसी देवी ने कहा, क्या यह यहीं अंदर ही बैठे रहेंगे? उस घर के किसी जिम्मेदार पुरुष ने जवाब दिया, इनके बैठे रहने से तुम लोगों का क्या नुकसान, ये तो संत हैं, तुम्हारे लिए इनका बैठा होना न होने के बराबर है और इनके लिए तुम्हारा होना न होने के बराबर है। सरकार ने सिर हिलाकर कहा, जी हां, इन्होंने तो अपने योग से मतलब है, इन्हें तो अपने योग से मतलब है। ये दास इसी प्रकार बैठा रहा। धीरे धीरे बहुत से सत्संगी भाई जमा हो गए। इसके पश्चात श्री सदगुरुदेव जी ने अंग्रेजी में बड़ा ही सुंदर तथा सार गर्भित लेक्चर दिया, जिसे सुनकर सब चकित रह गए। दास ने अपने मन में कहा, श्री सदगुरुदेव जी महाराज सब भाषाओं के पूर्ण ज्ञाता हैं। इसके पश्चात श्रीमान परम पूजनीय परम संत महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज, चचा जी महाराज के दर्शन हुए और आंख खुल गई। तारीख 23/2/51 स्वप्न में देखा कि श्री रेड्डी ADET दफ्तर के काम के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। इस दास ने यथोचित जानकारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दे दी। उसके बाद आप कहने लगे, मैंने सुना है कि आप गीता के अच्छे ज्ञाता हो, क्या मुझे समझा सकोगे? दास ने उत्तर दिया, गीता तो साधन प्रैक्टिस करने की चीज है, उसका वास्तविक ज्ञान तथा उसके तत्व का वास्तविक महत्व एसोसिएशन बिना अभ्यास के नहीं हो सकता। गीता शब्दों तथा बुद्धि से नहीं जानी जा सकती, हृदय से अनुभव की जा सकती है। बस आंख खुल गई। तारीख 11/3/51 रात्रि में स्वप्न में देखा कि दफ्तर में पार्टी हो रही है और ये पतित मिठाइयां तथा समोसे इत्यादि खाने में जुटा हुआ है और ईश्वर का ध्यान तनिक भी नहीं है। इसको स्वप्न में बड़ा पछतावा हुआ और आंख खुल गई। ये स्वप्न नहीं था परंतु वास्तविकता थी। जब कभी भी दफ्तर में पार्टी इत्यादि होती है और इसे बहुत से लोगों के साथ खाना पड़ता है तो इसका ध्यान प्रभु चरणों से हट जाता है, परंतु जब एकांत में भोजन करता है तो इसका ध्यान प्रभु चरणों में बराबर लगा रहता है।
अनमोल वचन। अखिल भारतीय संतमत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा। अनमोल वचन। अखिल भारतीय संतमत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जानें व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें न सुने। सत्य व मधुर बोलें। अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें। सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।